नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ चंदन पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूँ रेणुका शुगर के ऊपर, जो कि दो दिन में ये लगभग 30% तेज है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये न्यूज़ देखिए कब की है, लगभग आज 11:38 AM की है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि देखिए, कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी है कि यहाँ पे जो श्री रेणुका शुगर है, ये फ्यूचर में अदानी ग्रुप इसको लेने वाला है, और इसीलिए इस स्टॉक में बहुत ही तेज़ी बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, जानकारों का साफ साफ मानना है कि ये शेयर लगभग कुछ ही दिनों में, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कुछ ही दिनों में यहाँ पे 49 रुपये के आसपास चला गया, खाली कुछ ही दिनों में, वो भी अपर सर्किट के साथ। और आज जो लगा है लगभग 20% का अपर सर्किट लगा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखिए, लगभग अराउंड ये 35% का यहाँ पे रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। और यहाँ पे कुछ बड़े एनालिस्ट का, जो मार्केट के जो बड़े एनालिस्ट हैं, वो मान रहे हैं कि बस खाली न्यूज़ के ज़रिए इस स्टॉक को दौड़ाया जा रहा है, और अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि अदानी ग्रुप इस कंपनी को टेक ओवर कर रही है, ठीक है। हाँ, फ्यूचर में अगर ये टेक ओवर करती है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है, तो इस स्टॉक में तेज़ी बनना जाहिर है। लेकिन अभी फ्यूचर में ये स्टॉक, मतलब फ्यूचर में ये टेक ओवर करे या ना करे, ये कोई अभी क्लियर मेंशन नहीं है, ठीक है ना। और ये क्लियर नहीं है कि इस स्टॉक को अदानी ग्रुप टेक ओवर करेगी, ठीक है ना। ना ही तो अदानी ग्रुप से ही ये क्लियर है, ना ही तो और अदर कंपनियों से ये सब कुछ क्लियर है। कोई भी ऑफिशियल ऑफर नहीं है या ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है इस कंपनी के ऊपर कि कोई इसको टेक ओवर करेगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये सब न्यूज़ से आप बचिए। हाँ, अगर आपको ख़रीदारी करनी है, एक सट्टा लगाना है, तो आप इस स्टॉक में कुछ क्वांटिटी, जैसे होता है ना कि हम अपने पोर्टफोलियो का 5% 10% पेनी स्टॉक में डालते हैं, तो सेम आप ऐसे ही अपने पोर्टफोलियो का लगभग 5-10% ही इस स्टॉक में डालें, ठीक है ना। उससे ज़्यादा आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें, ये कोई अभी कुछ क्लियर नहीं है। जब तक क्लियर नहीं होता है, तब तक आप पैसे वेस्ट ना करें। और रिटेल निवेशकों से और छोटे निवेशकों से तो ज़्यादा ये है कि वो इस स्टॉक से दूर ही रहें, खरीदने की कोशिश ना करें, अन्यथा आपका पोर्टफोलियो एकदम बिगड़ जाएगा, और ना ही तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो किसी काम का रहेगा, ठीक है ना। तो जो बड़े इन्वेस्टर है वो यहाँ पे खरीदारी